मेरे तमाम साथियों को मेरा सलाम। आज मैं आपको सलाद पत्ते के फवाइद और उसको घर में लगाने का तरीका भी बताऊंगी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये सलाद है और इसे कच्चा ही खाया जाता है। सलाद पत्ते में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, सोडियम और जिंक पाया जाता है। सलाद पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन ए कैंसर से हिफाजत करता है। सलाद पत्ता नींद की कमी में मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट है, दिमाग के सेल्स को टूट फूट से बचाता है, इस तरह याददाश्त बेहतर रहती है। सलाद खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल में मुफीद है। वजन कम करने के लिए बेहतरीन है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। सलाद के पत्ते खाने से अल्सर की बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सलाद आसाब को मजबूत बनाती है। एक तहकीक के मुताबिक अगर सलाद के पत्ते गाजर के साथ खाए जाएं तो बालों का रंग देर तक कायम रहता है, यानी बाल जल्द सफेद नहीं होते। इसे उगाना बहुत आसान है। इसकी पनीर बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बीज बारीक बिल्कुल जीरे की तरह होते हैं। इनको बिखेर कर डाल दें। पनीर तैयार हो जाए तो 4 से 5 इंच के गमले या इससे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। 35 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। ऊपर से काट कर इस्तेमाल कर लें, दोबारा निकल आएगा। जब टहनियाँ निकलने लगें तो फूल और बीज बनने का अमल शुरू हो जाता है। इस वक्त सलाद के पत्तों से वाइट लिक्विड निकलता है। ये पत्ते खाने में कड़वे होते हैं और खाने के काबिल नहीं होते। जब बीज निकल आए तो इन्हें महसूस कर लें। सलाद पत्ते के फायदे और उन्हें लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।